मैं पांचाली, पांचाल राज्य की राजकुमारी, मेरा जन्म यज्ञ की अग्नि में से हुआ था, इस कारण से मेरा एक नाम याज्ञसेनी भी है। उसी समय मेरे श्याम रूप के कारण मेरे सखा श्री कृष्ण ने मुझे कृष्णा नाम दिया था, किंतु आप में से अधिकतर लोग मुझे राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से ही जानते हैं। जब मैंने युवावस्था में प्रवेश किया और विवाह योग्य हुई तो मेरे पिता ने मेरा स्वयंवर रचाने का निश्चय किया। बाल सखा श्री कृष्ण ने मुझे पांडव पुत्र अर्जुन के विषय में बता रखा था कि अर्जुन ही सबसे बड़े धनुर्धर हैं और केवल वे ही मेरे पति होने के योग्य हैं। किंतु पांडव बंधुओं की लाक्षा गृह में जलकर मृत्यु के समाचार ने मुझे व्यथित कर दिया था। ऐसे में यदि कृष्ण मुझे मेरे भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं करते तो मैं स्वयंवर के लिए राजी नहीं होती। सर्व समाजन सावधान, पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के साथ महाराज कुंवर दृष्टद्युम्न प्रधान रहे हैं। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की जय। राजकुमारी द्रौपदी की जय। युवराज दृष्टद्युम्न की जय। सभा में उपस्थित पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य जी, आदरणीय बलराम जी तथा श्री कृष्ण आदि सभी गुरुजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ पधारे समस्त उच्चकुल राजाधिराजों का मैं इस स्वयंवर सभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ ये हैं मेरी बहन राजकुमारी द्रौपदी। जैसा कि सर्वविदित है, राजकुमारी सर्वांग सुंदरी तो हैं ही, आप मृदुभाषी, बुद्धिमती तथा दिव्य दर्शी भी हैं और इसी के साथ संगीत व अन्य कलाओं में भी निपुण हैं। राजकुमारी का पालन कांपिल्य के महलों में अनुभवी धायमा की देखरेख में कुशल परिचारिकाओं के हाथों हुआ है। आदरणीय पिताश्री की हार्दिक इच्छा है कि इन्हें ऐसा वर प्राप्त हो जो इनके सर्वथा उपयुक्त हो। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की जय। राजकुमारी द्रौपदी की जय। युवराज दृष्टद्युम्न की जय। यह कांपिल्य नगर का सौभाग्य है कि आज इस स्वयंवर सभा में कौरव पुत्र दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि के साथ अंगराज कर्ण भी यहाँ पधारे हैं। इनके अतिरिक्त शकुनी आदि गांधार पुत्र, महाराज शिशुपाल, महाराज जरासंध, महावीर शल्य आदि अनेक महान धनुधर भी यहाँ द्रौपदी का वरण करने की इच्छा से आए हैं। आप सब प्रत्याशियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। युवराज दृष्टद्युम्न की जय। आज की यह स्पर्धा धनुर्विद्या की परीक्षा है। वहाँ ऊपर एक यंत्र चालित मछली गोल घेरे में घूम रही है जिसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिखाई दे रहा है। प्रतियोगी को वहां रखे भारी धनुष किंधर की प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए लक्ष्य साधना है तथा मछली की आंख को भेदना है। आप में से जो प्रत्याशी लक्ष्य भेदने में सफल होगा वही मेरी बहन का पति बनने के योग्य होगा तथा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की जय। राजकुमारी द्रौपदी की जय। युवराज दृष्टद्युम्न की जय। स्पर्धा की इतनी कठिन शर्त सुनकर एक बार तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर कुछ राजा प्रयत्न के लिए आने लगे, किंतु लक्ष्य भेदना तो दूर, कुछ तो धनुष को उठा भी नहीं पाए। और जो कोई उठा पाए वे प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। हाँ, उसके बाद जरासंध ने लक्ष्य तो साधा पर उनका बाण लक्ष्य से थोड़ा हटकर लगा। इसी तरह शिशुपाल का बाण लक्ष्य से अंगुल भर दूरी पर लगा। फिर अहंकारी दुर्योधन का बाण मछली की आंख बस तिल भर की दूरी से चूक गया। ऐसा लगने लगा कि महाराज द्रुपद की यह शर्त कोई पूरी नहीं कर पाएगा
और द्रौपदी को उसका वर नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगता है कि इस सभा में कोई भी वीर लक्ष्य संधान कर द्रौपदी को वरने योग्य है ही नहीं। यदि अनुमति हो तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। आप तो ब्राह्मण है ना? जी हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु ब्राह्मण तो क्षत्रियों से उच्च कुल होते हैं। आदरणीय गुरुजन, यदि आपकी अनुमति हो तो इन ब्राह्मण युवक को लक्ष्य भेदने का अवसर दिया जा सकता है। अवश्य अवश्य। ब्राह्मण कुमार की जय। ब्राह्मण कुमार की जय। ब्राह्मण कुमार की जय। उस ब्राह्मण युवक ने सरलता से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और अपने बाण से मछली की आंख बेच दी और द्रौपदी उस ब्राह्मण कुमार की पत्नी बन गई। उस समय स्वयंवर सभा में कृष्ण ने मुस्कुराकर मुझे ब्राह्मण कुमार को वर लेने का इशारा किया था, नहीं तो मैं अर्जुन के सिवा और किसी से विवाह नहीं करने वाली थी। यह पूरा प्रकरण कृष्ण की लीला का ही हिस्सा था। जब विवाह के कुछ ही समय बाद स्वयं ब्राह्मण कुमार ने यह भेद खोला कि वे और कोई नहीं अर्जुन ही हैं। किंतु यह प्रसन्नता थोड़ी देर ही रही। नियति के एक और क्रूर खेल के कारण मुझे पांचों पांडव बंधुओं की पत्नी बनने का आदेश मिला। किसी खाने की वस्तु अथवा नैवेद्य की तरह पांडवों की माता कुंती ने मुझे अपने पुत्रों में बांट दिया। पांच पति सुनकर ही जाने कैसा लग रहा था। यह कैसे संभव है? पृथ्वी पर इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या मैं कोई बेजान गुड़िया हूं? मुझे अर्जुन पर क्रोध आ रहा था। वे इस अनाचार का विरोध क्यों नहीं कर रहे? किंतु ना तो किसी ने मेरे क्रोध को देखा और ना ही मेरी पीड़ा को समझा। बस माता की आज्ञा के उल्लंघन को अधर्म मानते हुए मैंने इसे ही नियति मानकर पांच पतियों की पत्नी होना स्वीकार कर लिया।